greetings students how are you i hope all you are well beta yesterday we have started a fourth chapter that is insight into program execution we have studied how the program convert into executable file okay with the help of compiler or translator and we know that execution of exe file is free from any requirement of a computer system okay हमारा अगर आ, प्रोग्राम टर्न हो गया एग्जीक्यूटेबल फाइल में देन दे कैन बी रन बाय कंप्यूटर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली ओके एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रनज ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमारी डॉट ई फाइल बन गई है अब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली उसको रन कर देगा अब जब फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या होगा विद दी हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एग्जीक्यूट कैसे होगी विद दी हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म बेटा सपोज आपने एक वर्ड का सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड ऑफिस है आपने इंस्टॉल किया उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपने देखे होंगे पैकेजेज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है वो एक पैकेज है उसमें एम एस वर्ड है एम एस पावर पॉइंट है एम एस एक्सल है अलॉट ऑफ आर देयर ओके बेटा अब हमने सॉफ्टवेयर को तो रन कर सॉरी uh, इंस्टॉल कर दिया है वो क्या है सिर्फ हमने क्या किया इंस्टॉल किया अब वो, वो उसको रन करना है ठीक है एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने डाउनलोड किया उसको रन किया तो वो जब रन होगा कंप्यूटर हम उसको अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को रन करेंगे जो ई एक्सी फाइल को रन करेंगे वो किसकी हेल्प से होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ओके बेटा नाउ the role of operating system in running a program is much more complex and important in the today's life now let us see how an os plays an important role in running a program okay beta now the topic is os as a resource manager os is operating system beta a program in its static state is known as program static state means जब तक हमने उस को सिर्फ रन किया है मैं अभी आपको एग्जांपल बता दी थी कि हमने एम एस एमएस एम एस ऑफिस का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया ठीक है इंस्टॉल कर दिया वो कौन सी स्टेट में है स्टैटिक स्टेट में ओके बट व्हेन इट्स गो इन द रनिंग स्टेट जब हम उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे देन वो क्या कहलाएगा इट्स नॉन एज अ प्रोसेस इट्स नॉन एज अ प्रोसेस समटाइम वी कॉल प्रोसेस एज अ जॉब और अ टास्क प्रोसेस को so, हम जॉब और टास्क बोल सकते हैं तो so, प्रोसेस क्या है हमारे पास अ रनिंग प्रोग्राम और द एग्जीक्यूटिंग एंटिटी इज कॉल्ड अ प्रोसेस व्हाट इज प्रोसेस? अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। रनिंग प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग एंटिटी ओके बेटा टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम इट मस्ट बी लोडेड इन द फ्रॉम द मेमरी फर्स्ट एंड सी पी यू बी असाइन टू इट सो दैट इट इंस्ट्रक्शन कैन बी रन सीपीयू से असाइन करता है इंस्ट्रक्शंस को ताकि वो इंस्ट्रक्शंस को रन कर सके द मोमेंट ऑफ प्रोग्राम इज़ लोडेड फॉर रनिंग और एग्जीक्यूटिंग दैट दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ओके बेटा समझ आ गया प्रोसेस क्या होता है कोई भी हमारा प्रोग्राम है जब वो रन नहीं कर रहा तो देन वो एक स्टेटिक स्टेट में है जब उसको रनिंग पोजीशन में हम लेके आते हैं उसको लोड करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी से और जो उसकी इंस्ट्रक्शन है सीपीयू उसको एलोकेट करता है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को तो so देन जो प्रोग्राम लोड होगा उस प्रो टास्क को हम क्या कहेंगे प्रोसेस एंड समाइम वी कॉल जॉब्स वॉट इट वेन मैनी प्रोग्राम एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम मैनी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम ओ एस इम्प्रूव्स और एनहानस द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम बाई मैनेजिंग रिसोर्सेज अब हमारे पास आ, क्या कह रहे हैं आप सोचते हो न कंप्यूटर बहुत जल्दी से जल्दी हर इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है मीन्स एक टाइम पे बहुत सारे काम करता है वो हमें लगता है बेटा बट ये सारा कौन चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स नैनो सेकेंड्स में वो वर्क करता है हम एक टाइम पर अपना एम एस ऑफिस पर टाइपिंग कर रहे हैं वर्ड ओपन कर रखे है टाइपिंग कर रखे हैं एक साइड हम सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं एक हमने ब्राउज ओपन किया हुआ फेसबुक ओपन की हुई है हम चैट भी कर रहे हैं साथ साथ तो ये काम जो हैं कैसे क्विकली होते हैं ना बेटा ठीक है तो ये कौन मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज किया है इन टास्क को तो हमें जो जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो भी कौन चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओके बेटा टू तो फॉर मल्टीपल प्रोसेसिंग मीन्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो हैं काम कर रहे हैं तो ओ पी ओएस को क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस चाहिए फर्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट कि जो जॉब्स हैं वो कैसे प्रोसेस हो रही हैं जो प्रोसेस हैं जॉब्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग कौन से जॉब को किस टाइम करना है दैट हैंडल्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कितनी मैमरी देनी है दैट्स ऑल्सो हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या इनपुट आया क्या आउटपुट आया उन सब की मैनेजमेंट कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम सो देयर आर अलॉट ऑफ फंक्शन बट हेयर वी आर डिस्कस ओनली फोर दिस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग मैमरी मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट नाउ सी वट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट वट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन रिचेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेन अ प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इट अप्रोच टू ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है उसे रन करने की नीड है तो देन वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा ठीक है बेटा आफ्टर दैट जो प्रोसेस शेड्यूलर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा दिस क्या लोड करेगा उस प्रोग्राम को जिस प्रोग्राम को रन करना है देन प्रोसेस शेड्यूलर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड दिस प्रोग्राम इन टू मेमोरी नाउ द प्रोग्राम बिकम प्रोसेस अभी बताया कि प्रोसेस क्या होता है हमारे रनिंग uh, स्टेट में होता है और प्रोग्राम क्या होता है आपके स्टिंग स्टेट में तो वो क्या कह रहा है जो प्रोसेस शेड्यूलर है ऑपरेटिंग सिस्टम का दैट लोड्स दिस प्रोग्राम इंटू मेमोरी एंड नाउ द प्रोग्राम बिकम प्रोसेस विच एग्जीक्यूट एज पर द इंस्ट्रक्शन ओके बेटा नाउ प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस मैनेजर प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करती है एक एक्टिविटी है ऑफ प्रोसेस मैनेजर इन विच प्रोसेस मैनेजर रिमूव द रनिंग प्रोसेस फ्रॉम सी पी यू एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या करेगी कौन सा प्रोसेस एक्टिव है किसको हमने रिमूव करना है जो अभी काम कर रहा है उसका काम हो गया या अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें पहले दूसरे प्रोसेस के ऊपर काम करना है ये सब प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं ओके बेटा नाउ दिस इज़ द कंसेप्शुअल मेमरी मैप ऑफ अ प्रोसेस कि हमारे पास कैसे कैसे काम होता है बेटा फॉर अ प्रोग्राम मेमोरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉलोइंग ब्लॉक्स देखिए आपके पास है ये एक मेमोरी है ठीक है प्रोग्राम कोड होगा आपके पास देन ये प्रोग्राम कोड क्या कर रहा है कि दिस ब्लॉक कंटेन्स कंपाइल्ड कोड ऑफ फॉर प्रोग्राम प्रोग्राम कोड क्या करेगा इसमें क्या होगा दिस ब्लॉक कंटेन कंपाइल्ड कोड ऑफ अ प्रोग्राम जो कंपाइल हो चुका है वो प्रोग्राम है सेकंड क्या है ग्लोबल वेरिएबल दिस ब्लॉक कंटेंस ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स दिस वेरिएबल्स रिमेन्स इन द मेमोरी टिल द एंड ऑफ द कंप्यूटर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है बेटा जब हम प्रोग्राम्स करेंगे ना ग्लोबल मीन्स जो आ, हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उन वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ आएगा थर्ड इज स्टैक थर्ड इज स्टैक दिस ब्लॉक कंटेन्स ऑल लोकल वेरिएबल्स पैरामीटर रिटर्न एड्रेसेस ऑफ फंक्शन कॉल्स अलोंग विथ सी पी यू स्टेट दिस ब्लॉक इज नॉन एज द स्टैक ओके दिस इज द स्टैक एरिया जहाँ हमारे लोकल वेरिएबल्स होंगे ओके देन है हीप एरिया ये क्या प्रोवाइड करता है मेमोरी फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो डायनेमिक क्या है जो रनिंग स्टेट में होता है जो रनिंग स्टेट में नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं स्टैटिक स्टेट ठीक है गॉट इट बेटा ये जो चारों टर्म्स हैं ये आपको तब समझ आएंगे जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जब हम अपनी प्रोग्रामिंग वर्क करेंगे नाउ क्या है बेटा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस हमारे पास फाइव स्टेट्स हैं क्या है वेन अ प्रोग्राम इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड जब वो रेडी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए दैन इट इज़ लॉडेड इन टू द मैमरी मैमरी से लोड करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो स्टार्ट हो गया मीन्स उसकी इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोसेस ओके वेन अ प्रोग्राम इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इट इज लॉडेड लॉडिड इन मेमरी एंड इट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस वो क्या हो जाएगा अब एक्टिव एंड एक्टिव प्रोसेस पासिस थ्रू अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से स्टेट हैं रेडी स्टेट रनिंग स्टेट टर्मिनेट वेट करना है कि वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स आती हैं जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में पहले उसने स्टार्ट किया उस प्रोसेस को अब प्रोसेस क्या करेगा कि भी वो चेक करेगा कि उसने रेडी स्टेट में जाना है या वेट करना है वेट किसके लिए कर रहा है किसके लिए कर रहा है कुछ रिसोर्सेज के लिए कर रहा है बेटा किसके लिए कर रहा है कुछ रिसोर्सेज के लिए कर रहा है अगर उसको कोई रिसोर्स की नीड नहीं है तो वो रेडी स्टेट में चला जाएगा रेडी वेन द प्रोग्राम इज रेडी आफ्टर द बेट ठीक है फिर रनिंग प्रोसेस में चला जाएगा रेडी के बाद प्रोसेस बींग एग्जीक्यूटेड बाई द सी पी यू फिर भी अगर उसको किसी और प्रोसेस की रिसोर्स uh, की रिक्वायरमेंट फिर वो वेट में जाएगा फिर ये जो साइकिल है ये चलती जाएगी जब हमारा रनिंग प्रोसेस जो है मीन्स एग्जीक्यूट हो गया तो देन वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटेड मीन्स द प्रोसेस इज ओवर वट इट बेटा दिज आर दाइव स्टेट when a program gets ready for execution then it is transferred into memory and becomes an active process there are five steps start state when a program first time transferred to memory ready state when a process get ready for execution and wait for cpu as per its turn running state when cpu take the process for execution waiting state when process waits for some resources for execution terminated state or exit state

प्रोसेस ऑफ रेडी प्रोसेस मीन्स हाउ सी पी यू एग्जीक्यूटिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेडी प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोसेस इज प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेन मेमरी देन कंट्रोल यूनिट ब्रिंग्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आपको देखा था सी पी यू डायग्राम में कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर वर्क करता है मीन्स इंस्ट्रक्शन को उसने फैच किया कहाँ से मेमरी से और कंट्रोल यूनिट से नाउ कंट्रोल यूनिट डिटर्माइंस वट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दिस उसको डी कोड करेगा दैट इज़ वेदर इट रिक्वायर्स उसे क्या चाहिए एनी मैथेमेटिकल वर्क और एनी लॉजिकल वर्क और सिंपली रीड फ्रॉम मेमरी और इनपुट डिवाइस और राइट टू मेमरी और आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व मैथेमेटिकल और लॉजिकल वर्क देन सी यू इंस्ट्रक्ट द ए एल यू दैट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट इज

टाइम एलोकेट करना है वेरियस प्रोसेसेस को उसको हम क्या कहेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग बेटा एज यू नो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी लॉडेड टुगेदर इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस प्रोसेस फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट टू नो फॉर दिस कि हाउ विच प्रोसेस विल गेट सी पी यू टाइम विच प्रोसेस विल बी डिलीटेड फ्रॉम सी पी यू विच प्रोसेस हैज़ टू बी शिफ्टेड फॉर इनपुट आउटपुट हाउ टू हैंडल एन इंटरप्शन अगर इंटरप्ट कोई केस आ जाता है तो क्या हम करेंगे इंटरप्ट क्या है एक सिग्नल है इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू द सी पी यू इंडिकेटिंग अ हाई प्रोरिटी इवेंट दैट नीड इमीडिएट अटेंशन मीन्स कोई काम चल रहा है ठीक है अगर कोई हाई प्रारिटी का आपका वर्क आ जाता है तो वो क्या कहता है कि जो बीच में काम चल रहा है उसको इंटरप्ट करके तो जो जो हायर प्रायोरिटी का वर्क होता है उसके ऊपर वर्क होगा बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब आगे हम आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्रीज में करोगे ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर सिर्फ लिटल लिटल स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर देयर दैट यू कैन टू अंडरस्टैंड ओके बेटा देन बेटा क्या है मैंने बताया कि इंटरप्शन का एक सिग्नल है फॉर सीपीयू फॉर अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस टू गेट द सीपीयू टाइम जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी उसी को वो सीपीयू टाइम देगा तो दिस कंप्लीट टास्क इज ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलर ये किसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलर द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल द रिमूवर ऑफ रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द सी पी यू एंड द सिलेक्शन ऑफ अनादर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ओके नाउ बेटा सम कॉमन शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज आर दैट इज एफ सी एफ एस मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये क्या कहते हैं जो पहले आया उसको हमने सबसे पहले सर्व किया दिस इज द शेड्यूलिंग देर आर अलाट ऑफ शेड्यूलिंग जस्ट इन योर बुक इन योर सिलेबस वन वन लाइन इज गिवन रिगार्डिंग दिस एफ सी एफ एस क्या है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व द प्रोसेस एंटरिंग फर्स्ट इन द क्यू गेट्स द सी पी यू फर्स्ट जिसने पहले एंटर किया सी पी यू उसे पहले टाइम दे देगा देन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एवरी प्रोसेस इसे हम बोलते हैं आर आर एस एवरी प्रोसेस इज गिवन सम फिक्सड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन सी पी यू ठीक है एवरी प्रोसेस को वो क्या करता है कि एक फिक्स टाइम दे देता है सपोज फाइव हमारे पास जॉब्स uh, हैं सबको एक जैसा टाइम दे दिया एन 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 और एन से वी कैन से दैट कि एन मिलियन सेकेंड्स है इफ द प्रोसेस इज ओवर ड्यूरिंग द दिस टाइम द प्रोसेस इज टर्मिनेट अभी इसको और भी टाइम चाहिए बट हमने तो अभी एंड दिया है कि उसने क्या किया कि पहले ये काम चल रहा है इसको एंड टाइम हम देंगे ठीक है बट अगर प्रोसेस ओवर हो टाइम ओवर हो जाता है तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा और इसको क्या करेगा प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा मीन्स उसकी स्टेट को चेंज कर देगा वेटिंग स्टेट में और नेक्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन आई उसके ऊपर वर्कआउट करेगा ओके okay, बेटा थर्ड इज स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब ओके नेक्स्ट सी क्या करेगा उस जॉब को पिक करेगा जिसका शॉर्टेस्ट टाइम होगा रेडी स्टेट में ओके दैट्स आर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स बेटा ओके okay. थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमरीज को भी मैनेज करता है कि एलोकेट मेमोरी टू वेरियस प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट वट इट बेटा दिस इज अ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कि एज एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग प्रोसेस्ड हैज टू बी लोडेड इन द मेमरी नाउ मेमरी मैनेजर परफॉर्म दिज फंक्शंस उसके क्या क्या, क्या फंक्शन है लेट्स सी फर्स्ट इज कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमरी लोकेशन किस लिए कि एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री अगर फ्री है तो हम किसी और प्रोसेस को वो मेमोरी दे दें दैट्स आर मेमोरी मैनेजर मेमोरी मैनेजमेंट नेक्स्ट है चेक्स हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेस एंड हाउ इज टू बी डी एलोकेटेड हम उसको कितनी एलोकेट कर रहे हैं और कितनी डी एलोकेट कर रहे हैं अगर मेमोरी के पास हमने इतनी एलोकेट कर दी उसमें से डी एलोकेट मीन्स उसको फ्री करना ठीक है तो चेक्स क्या करेगा वेट चेक क्या करेगा हाउ मच मेमरीज टू बी एलोकेटेड एंड टू प्रोसेस एंड हाउ इज टू बी एलोकेटेड कितनी उसे चाहिए और हम कितनी उसको एलोकेट करेंगे दैट्स परफॉर्म बाय द मेमोरी मैनेजमेंट नेक्स्ट है इट डिसाइडेड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट वट टाइम किस टाइम पर किस मेमोरी को कितना हमें मेमरी uh, देनी है दैट डिसाइडेड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट नेक्स्ट कीप ट्रैक ऑफ वेन एवर सम मैमरी गेट फ्रीड और अनएलोकेटेड और कॉरसपंडलिंग इट अपडेट्स द अवेलेबल मेमोरी एलोकेटेड मेमोरी एसेट्रा अगर हमारे पास कोई मेमोरी फ्री है तो उसको हम क्या करेंगे कितनी हमारे पास अपडेशन रखेंगे कितनी अवेलेबल है हम कितनी किसको एलोकेट करनी है ओके नेक्स्ट है इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ डाटा इन द मेमोरी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस सो दैट अर द रनिंग प्रोसेस डो नॉट गेट होल्ड ऑफ विद दिस डाटा ये क्या करेगा सेफ्टी भी लेके चलता है मेमरी एलोकेटेड को ताकि जो अदर रनिंग प्रोसेस है उनको डाटा को होल्ड ना करना पड़े ओके okay, बेटा द मेमरी मैनेजर एलोकेट मैमरी टू प्रोसेस टू लोड देअर डाटा सॉरी सॉरी द मेमरी मैनेजर एलोकेट मैमरी टू प्रोसेस टू लोड देअर डाटा एंड फाइल एक्सेट्रा ठीक है समझ आएगी कि मेमरी क्या करते हैं मेमरी मैनेजर एलोकेट करता मेमोरी को टू प्रोसेस टू लोड देयर डाटा एंड फाइल यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज वी आर रीड हेयर सम कॉमन टेक्निक्स ओके फर्स्ट इज सिंगल मेमोरी एलोकेशन फर्स्ट इज सिंगल मेमोरी एलोकेशन इट इज द सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द एवलेबल फ्री मैमरी इज एलोकेटेड टू सिंगल एप्लीकेशन एट अ टाइम एक टाइम में अगर कोई हमारी मेमरी uh, फ्री है उसको अवेलेबल करवाना दिस मीन ओनली वन एप्लीकेशन रन एट अ टाइम एंड अदर एप्लीकेशन विट गेट होल्ड ऑफ मेमोरी ओनली आफ्टर द रनिंग एप्लीकेशन इज ओवर वाट इट नेक्स्ट इज पार्टीशन एलोकेशन इन दिस टेक्निक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट और यूजअली कंटीन्यूस एरिया ऑफ मेमोरी कार्ड पार्टीशंस मीन्स अगर मेमोरी है उसके कंटीन्यूस पार्ट्स कर देने ओके okay. देन जो रनिंग एप्लीकेशन होगी उसको एलोकेट करेगा वन और मोर पार्टीशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट थर्ड इज पेज मेमोरी मैनेजमेंट इन दिस टेक्निक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज यूनिट्स कॉल्ड पेज फ्रेम्स कुछ एक फिक्स साइज कर देगा जिसको हम पेज फ्रेम कहेंगे और सिंपली पेजेस और रनिंग एप्लीकेशन इज एलोकेटेड सम नंबर ऑफ पेजेस फॉर इट्स वर्किंग डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोसेस रिक्वायरमेंट वो क्या एलोकेट करेगा पेजेस को नेक्स्ट इज फोर्थ सेगमेंट मेमोरी मैनेजमेंट इसमें क्या है बेटा कि इन दिस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल यूनिट्स लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड करेगा जिसे हम क्या कहेंगे सेगमेंट इट मे नॉट बी कंटीन्यूस इन फिजिकल मेमोरी बट लॉजिकली डिफरेंट चंक्स ऑफ मेमोरी बिलोंग टू वन और सेगमेंट वो कह रहा है कि इसमें हम सेगमेंट फ्रेम करेंगे बट सेगमेंट जो होंगे कंटिन्यूस नहीं होंगे ओके okay? नेक्स्ट इज़ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट बेटा वर्चुअल मेमोरी जैसे हमने कैश मेमोरी पढ़ा था इन सेम लाइक दिस वर्चुअल मेमोरी कि जब हमारी रैम फुल हो जाती है तो हमें एक क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है वर्चुअल मेमोरी की ठीक है व्हेन वी रिक्वायर्ड व्हेन रैम इज़ फुल देन वी रिक्वायर द वर्चुअल मेमोरी ओके एंड स्टिल द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स मोर मेमोरी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेन द रैम इज़ फुल देन वी नीड द वर्चुअल मेमरी ओके इट लेस यूज डाटा इज मूव्ड फ्रॉम रैम जो रैम में हमारा डाटा लेस यूज होता है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं वर्चुअल मेमोरी में डाटा दैट द सी पी यू नी टू यूज राइट नाउ मूव फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू रैम जब जिसको ज्यादा जरूरत होती है उसको वहां से हम कहाँ से ले लेते हैं वर्चुअल मेमोरी से बट कैश मेमोरी में क्या था जो डाटा हमारा फ्रीक्वेंटली यूज होता है हम उसको स्टोर करते हैं वर्चुअल मेमोरी में जो डेटा हमारा लेस यूज होगा उसको हम लेके चलेंगे ओके एंड इट इज ऑल्सो कार्ल्ड अ वोलाटाइल मेमरी इफ द कंप्यूटर इज स्टंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लोजेस्ट ट्रैक ऑफ वट वॉज द केप्ट वेयर इन द वर्चुअल मेमरी के डेटा के डेटा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा देन इट इज़ वेरी स्लो कंपेयर टू द रैम ओके बेटा आई थिंक दिस इज अ स्मॉल टॉपिक गॉट इट नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वायरिंग एंड इनपुट और आउटपुट देन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स इट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके तो कौन वर्क करेगा इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम किस पार्ट पे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में क्योंकि हमें क्या चाहिए इनपुट और आउटपुट द रोल ऑफ इनपुट आउटपुट मैनेजर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू कनेक्ट द प्रोसेस किसको कनेक्ट करे प्रोसेस को टू द एक्चुअल इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रो सम स्ट्रेटेजी ओके there are some multiple strategies that is followed by the input-output manager. we are not discussing here beta. okay, the input-manager sends the input-output request to the physical device and upon receiving a response from the device, and it passes the received response to the process. okay, during that time, a process is with input-output manager. the cpu keeps on working with other ready process. next is user interface. user-interface beta? द वे दैट ऑफ कम्प्यूटर एंड यूज़र कम्युनिकेट इज़ नॉन एज द यूज़र इंटरफेट जो कम्प्यूटर और यूज़र कम्युनिकेशन का जो बीच का वे है उसको हम यूज़र इंटरफेस करेंगे ओके एनऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरमेंट टू एनापरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्ज एन एनवायरमेंट फॉर द यूज़र टू इंट्रेक्ट विद द मशीन थ्रू अर यूज़र इंटरफेस इट कैन बी द ग्राफिकल और टेक्सट बेस ग्राफिकल मीन्स क्या होगा कि जिसमें हमारे एज अ नेचर ही वो ग्राफिक्स होंगे जैसे आइकन्स है विंडो है मेन्यूज है पॉइंटर है दीज आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है इंटरफेस दैट आर ग्राफिकल इन नेचर एज नोन एज जी यू आई और इसे हम दूसरा नेम क्या कहते हैं डब्ल्यू आई एम पी दैट इज़ विंडो आइकन्स मेन्यू और पॉइंटर्स ठीक है वट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट एनेबल द यूजर टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क एट द सेम टाइम इट इंटरफेस विजुअली एंड कंफर्म इज टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म बाई यूजर बेटा जो यहाँ पर काम हो रहा है ग्राफिक्स के थ्रू हो रहा है पिक्चर्स के थ्रू हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेक्स्ट इज कमांड लाइन इंटरफेस जो नॉन ग्राफिकल होते हैं जिसमें कोई इंट्रेक्शन मैथड नहीं होता ओके दैट इज कॉल्ड द कमांड लाइन इंटरफेस और इसके क्या एडवांटेजेज हैं आपके पास बेटा कि इट इज़ अ फास्टर वे टू गेट टास्क डन मोर फ्लेक्सीबल देन जी यू आई एंड यूज द लेस मेमोरी एज कंपेयर टू जी जु भाई ओके हेयर बेटा योर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन योर बुक देर इज अ टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर सिलेबस नाउ बेटा ओके अप टू हेयर यू हैव टू रीड दिस द चैप्टर फोर्थ इज़ कम्प्लीटेड विद अलोंग विद दिस योर यूनिट फर्स्ट इज़ कम्प्लीटेड ओके बेटा थैंक यू हैव अ नाइस डे